लड्डू दानेदार बनाने का तरीका। नमस्कार फ्रेंड्स, इंडियन सेफ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमने एक कटोरी दाल भिगो लिया है। मेजर के लिए हम बता दे रहे हैं कि इस कटोरी से हमने दाल लिया है और हमने 2 घंटे पहले इसको धोकर अच्छे से साफ करके हमने भिगो लिया था। ये चने की दाल है, आज इसी से हम लड्डू बनाएंगे। अब इस दाल को हम मिक्सी जार में निकाल लेते हैं। पानी को छानते हुए निकालेंगे, हमें यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सारे दाल को हम बाहर निकाल लेंगे, मिक्सी की जार में रख लेंगे। यहाँ पर हमने सारा दाल को निकाल लिया है फ्रेंड्स। इसका ढक्कन हम लगा लेंगे और इसको हम ग्लेंडर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये दाल को पीस लिया है। अब हम गैस जला लेंगे, कढ़ाई में तेल रख लेंगे। गैस हमने जला लिया है। यहाँ पर हमने तेल डाला है, रिफाइंड है, आप यहाँ पर घी ले सकते हो। और तेल को गरम कर लेंगे। तेल हमारा यहाँ पर गरम हो गया है। ये छोटी छोटी हम बड़ी बना लेंगे दाल के, ऐसे ही छोटे छोटे काट देंगे इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, जैसे बड़ी बनाते हैं ना उड़द का, वैसे ही हम छोटा छोटा करके इसमें डालेंगे। ऐसे ही सारा बना के डाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर। यहाँ पर सारी बड़ी हमने डाल लिया है। अब इसको हम पलट लेते हैं, एक एक करके साइड इसके चेंज कर लेते हैं। और सुनहरा होने तक इसको थोड़ा पकाएंगे। एक तरफ का सिक गई, सुनहरा हो गया है, दूसरे तरफ का भी ऐसे सेक लेंगे। सारे बड़ी को हम पलट लेंगे। यहाँ सारे बड़े को हमने पलट लिया है, ऐसे ही अलट पलट के इसको अच्छे से सुनहरा होने तक पका लेंगे। सारे बड़े को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे बड़ी सुनहरी हो गई है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही निकाल लेंगे, तेल निचोड़ते हुए निकालेंगे। बड़ी हमारी ठंडी हो गई है। अब यहाँ पर हम मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार के अंदर हम बड़ी को डाल देंगे और इसको ग्लेंडर कर लेंगे। आधा आधा एक साथ ग्लेंडर करते हैं। ढक्कन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा ग्लेंडर हो गया है बड़ी, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख लिया है, गैस को जला लिया है। यहाँ पर हम देसी घी डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून। घी को गर्म होने देंगे। लड्डू के लिए हम चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी लिया। अब आधा कटोरी हम पानी डालेंगे चाशनी बनाने के लिए। घी हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर हम बेसन को डाल देंगे और इसको हम थोड़ा से भून लेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे, सारे बेसन को डाल देंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। ये जो बड़ी हमने बनाया था वो वही बेसन है, चलाते हुए भूनेंगे इसको। बेसन हमारे भून गए हैं यहाँ पर, इसको हम दूसरे साइड में रख देते हैं। अब चाशनी हम रख लेंगे। चाशनी के अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे। अच्छे से हम चाशनी को चलाएंगे। इसके अंदर हम फूड कलर डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर लिया है, आप यहाँ पर ऑरेंज कलर या कोई और भी कलर ले सकते हो, या बिना कलर का भी आप बना सकते हो। यहाँ पर मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमने जो बेसन का हमने भुना था, इसको एक ऐसे डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते रहेंगे साथ में। साथ में हम मिक्स कर रहे हैं। अगर इस ट्रिक से आप बनाओगे तो आपका लड्डू कभी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल दानेदार दिखेगा। लड्डू का ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है। गैस को बंद कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम बांधेंगे। यहाँ पर अगर आप ड्राई फ्रूट लेना चाह रहे हो तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो, नारियल भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है इसके अंदर डाल सकते हो, खरबूजे का बीज, जो भी हलवाई लोग डालते हैं वैसे डाल के बना सकते हो। गैस को हमने बंद कर दिया, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसे मेरा ये बन गया है लड्डू। इसको हम निकाल लेंगे सारा, इसके अंदर जो लगा है पलटा, और हाथों में या घी या थोड़ा से पानी लगाएंगे हथेलियों पे, थोड़ा थोड़ा लेके इसको हम बांधेंगे लड्डू को। ऐसे ही बांध लेंगे सारे लड्डू को हम, ऐसे ही। यहाँ पर सारे लड्डू को हमने बांध लिए हैं। कढ़ाई मेरी खाली हो गई है बिल्कुल। एक कटोरी चने की दाल से मेरे लड्डू बने हैं। अगर हमारी ये लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मेरे कुछ ऐसे बने हैं लड्डू खिले खिले।